दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए विटामिन ई का कैप्सूल है, हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी असरदार नाइट क्रीम जिसका आप यूज करके बहुत ही फायदे में रह सकते हैं। आपका बहुत सारा पैसा बचाऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में बहुत ही महंगी नाइट क्रीम मिलती है और आप इसको दो चीज़ों के साथ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही इजी वे में ये चीज़ें हमारे घर में हमें मिल जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नाइट क्रीम बनाने के लिए यूज़ करना है विटामिन ई के कैप्सूल जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं, और एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में पौधा है तो आप उसका निकाल सकते हैं, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मार्केट में मिलते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उस नाइट क्रीम को आपको 7 डे के लिए स्टोर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और रोज़ाना आपको 5 मिनट अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है और रात भर रहने देना है। और रात भर रहने के बाद में आप सुबह नॉर्मली उसको अपने फेस को पानी से वॉश कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली नहाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आपको जितना ज़रूरत हो आप ले सकते हो। मैं सिर्फ 1 दिन में कैसा यूज़ करना है वो आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो इसको 7 डे के लिए किसी कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने लिया है ये विटामिन ई का कैप्सूल जो दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए विटामिन ई का कैप्सूल है, हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजी वे में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पर इस कैप्सूल को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम विटामिन ई का कैप्सूल डाल रहे हैं। अगर आप 7 डे के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको जितने विटामिन ई के कैप्सूल की ज़रूरत हो आपकी सुविधा के अनुसार आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी हमारी नाइट क्रीम बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत ही महंगी क्रीम मिलती है जिसमें हम पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं और वो असर भी नहीं होता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही आपके अगर बढ़ती उम्र आप 30+ हो गए हो और आपके चेहरे पर रिंकल झुर्रियाँ सब दिख रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। गर्मी सर्दी ऐसा कुछ नहीं, 12 महीने आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में बहुत ही ईजी वे में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। आप इसका 7 डे लगातार यूज़ करेंगे दोस्तों तो ही आपको असर आपके चेहरे पर दिखने लग जाएगा। 7 डे से ज़्यादा नहीं बना के रखना है, 7 डे तक आप यूज़ कीजिए और 7 डे बाद आप वापस से नई ये नाइट क्रीम बनाएंगे और बहुत ही अच्छा असर दिखाती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो अपना फेस है उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। आप कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले आपको जो अपना फेस है वो अच्छे से पानी से फेस वॉश से धो लेना है, ताकि जो आपकी दिन भर की जो डस्ट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये नाइट क्रीम है जो आप इसको अच्छे से आपको उसको मसाज करना है, तो इस तरह से आप डॉट डॉट करके पहले पूरे फेस पे ये क्रीम को लगा लेंगे। और अब आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है पूरे फेस पे। रोज़ाना आपको दोस्तों करीब 5 मिनट तो इसका मसाज करना ही, इससे कम टाइम के लिए मैं नहीं बोलूँगी, 5 से आप 10 भी कर सकते हैं। और इसको रात भर अपने फेस पे लगा के आपको सो जाना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको धोना है, आप रात भर इसको आराम से लगा सकते हैं। कोई भी रेमेडी जो है अगर आप रात में यूज़ करते हैं ना तो वो उसका बहुत ही अच्छे से असर दिखाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते हैं,
जो पोल्यूशन डस्ट है वो अच्छे से हमारे फेस पे नहीं आ पाती है। और रात की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हमारे फेस पे हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है, तो इसलिए ये जो नाइट क्रीम है ना, आप इसको रात भर अपने चेहरे पे आपको बने रहने देना है। फेस के जो प्रेशर पॉइंट है इस तरह से आपको सब तरफ करना है। दोस्तों तो ये देखिए मेरी स्किन ने अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया है, अच्छे से समा गई है पूरे फेस पे ये नाइट क्रीम, और आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं आती है। आप इसको लगा के अच्छे से रात भर के लिए सो सकते हैं।